कुतुब शाह साम्राज्य के पांचवें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार को बनवाया था। अपनी राजधानी गोलकोंडा को हैदराबाद में स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। चार मीनार की वजह से आज हैदराबाद को वैश्विक पहचान मिली है। चार मीनार का क्षेत्र गोलकोंडा बाजार से जुड़ा हुआ है। पुराने हैदराबाद शहर का निर्माण चार मीनार की वजह से ही किया गया था और तभी से हैदराबाद शहर के केंद्र में चार मीनार स्थित है। चार मीनार के चार मीनारों के पास ही शहर बसा हुआ था। चार मीनार के उत्तर में चार कमान और चार द्वार है। सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आप देख पाओ हमारे वीडियो सबसे पहले। चार मीनार के बारे में कुछ रोचक बातें। इमारत में बनी चार मीनार की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चंद लग जाते हैं। कहा जाता है कि चार मीनार की चार मीनारें इस्लाम के पहले चार खलीफों का प्रतीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में इसका निर्माण किया था। कहा जाता है कि उसका निर्माण करने के बाद मोहम्मद कुली ने वहां अल्लाह से प्रार्थना की थी। असल में मस्जिद चार मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी हुई है। चार मीनारों में पत्थरों की बालकनी के साथ ही एक छत और दो गैलरी भी है जो छत की तरह दिखाई देती है। चार मीनारों को एक विशिष्ट रिंग से चिन्हित किया गया है जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। मीनार के मुख्य गैलरी में 45 लोगों के प्रार्थना करने के लिए जगह हैं। चार मीनार हैदराबाद की मुख्य इमारतों में से एक है। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आपको 149 हवाई सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत होगी। सभी मीनार 149 हवाई सीढ़ियों से पृथक की गई है। मीनार की हर तरफ एक बड़ा वक्र बना हुआ है जो 11 मीटर फैला और 20 मीटर ऊंचा है। कहा जाता है कि चार मीनार और गोलकोंडा किले के बीच एक गुप्त मार्ग भी बना हुआ है जो पहले कुली कुतुब शाह की राजधानी थी और आपातकाल समय में इस गुप्त मार्ग से राजघराने के लोगों को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। लेकिन आज भी उस गुप्त द्वार की वास्तविक जगह किसी को नहीं पता है। हर एक वक्र पर एक घड़ी लगी हुई है जो 1889 में बनाई गई थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।